नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री पवन पंसारी जी, जो कि हमारे चुरा में हमारी जो गंभीर समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने चुरा में किसान सभा का गठन करके ये किसान भाइयों के साथ मिलकर के उन समस्याओं के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जो किसान भाई अभी तक किसान सभा के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन समस्याएं उनकी भी हैं, तो उनकी अधिक जानकारी के लिए आगे बात करेंगे श्री पवन पंसारी जी। पंसारी साहब नमस्कार, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले बताएंगे कि जो हमारा बागवानी है, खासकर बागवानी से संबंधित अभी तक आपने जो है क्या-क्या प्रयास किए हैं? देखिए, बागवानी से संबंधित मैं पहले तो किसानों को अवगत करवाना चाहता हूँ जी कि जो बागवानी विभाग यहाँ पर चुरा के अंदर तीसरा है, जी जिसमें जो है सरकार के द्वारा, हमारे नुमाइंदों के द्वारा जी वहाँ पर जो है अधिकारियों को नहीं लाया गया है। जी अगर लाया भी गया तो वो भी एक आधा जी है ना, जी तो किसानों को जो है सुविधा नहीं मिली वो भी। और साथ साथ में उसके साथ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किसान जो है बागवान जी वो उत्पादन तो करता है, जी लेकिन उसको जो है विभाग के द्वारा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जी जैसे कि दवाइयाँ आदि। जी और वहाँ पर विभाग में जैसे प्रसार अधिकारी होता हाँ है जी जो कि बागवानों के बगीचे या बागवानों से संपर्क बनाए रखते हैं या बागवान उससे संपर्क बनाए रखते हाँ हैं, जी क्योंकि उचित उचित समय पर जो है बागवानों को दवाइयाँ आदि और उससे बागवानी से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए होती है, लेकिन वो भी नहीं मिल पाती हाँ है। जी और आज इसके साथ साथ हम इस बात से भी अवगत करवाते हैं कि यहाँ पर एक बागवानी के क्षेत्र में जैसे HPMC होता है, एक हाँ जी इनका हाँ जी उद्यान विभाग का, जी वो HPMC ने जो है यहाँ पर एक खरीद फरोख्त की थी, जी उसकी पेमेंट नहीं की गई थी किसानों को। अच्छा जो जी पेमेंट बनी हुई थी 6,42,000, जी वो पेमेंट हमने 2022 में ही किसानों को दिलाई, जो कि HPMC ने 2019 में खरीदे थे। अच्छा उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। जी क्यों संघर्ष करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? जी क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है पिछड़े नाम से जाना जाता है, जी और ये तो सारे सबके मुंह पर है जो हमारे जी नुमाइंदे हैं कि भाई पिछड़ा, रिमोट एरिया, ये वो। जी तो यहाँ का किसान जो है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बागवानी में गया जी और बागवानी में उत्पादन किया, उस जी उत्पादन को जो है अच्छी मार्केट तक जो है उद्यान विभाग का कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक्ट, उद्यान विभाग जो बागवानी एक्ट है, अधिनियम है, वो जी 1970 है, ठीक उसमें इन बातों का जिक्र है हाँ जी कि बागवानी विभाग जो है उस उत्पादन को किस मार्केट तक पहुंचाना है और किस समय पर पहुंचाना हाँ है, जी उनका वो अधिकार बनता है, लेकिन जी यहाँ पर वो चीजें नहीं है। जी हाँ, तो हम आपको बताना चाहते हैं और किसानों को भी बताना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमने जो यहाँ पर किसान सभा चलाई है जी उस किसान सभा को बढ़ाएं, उससे जुड़े, जी ताकि हमारी जो समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं, ऐसे जी एक नहीं है, क्योंकि जैसे आज से 20 वर्ष पहले जो सेब का रेट था हमारा, जी वही आज भी रेट चला है 20 रुपए किलो, जी और उस पे जो हमारी लागत है वो बढ़ गई है, जी जैसे हमारा मटेरियल की लागत, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन जी आदि आदि और चीजें कई हैं। बहुत महंगाई हम बढ़ी बड़ी है महंगाई बढ़ी है, लेकिन जी किसानों को जो है अभी तक उसका उचित मूल्य, यानी आज जो आज के दौर में जो महंगाई है जी उस महंगाई के हिसाब देखा से जाए रेट नहीं मिल रहा रेट नहीं मिल रहा है, मार्केट में तो इसको जो है अच्छे स्तर तक पहुंचाने के लिए जी इस किसान सभा में आने की चेष्टा करें और जी बढ़ाएं और जी अपने सुझाव भी दें, उन जी सुझावों को हम आगे लेकर चलें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पंसारी साहब। अब इसके बाद जानना चाहूंगा सर आपसे कि कृषि से भी संबंधित कई समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं, और कृषि को लेकर के भी आपने प्रयास किए होंगे। आप कृपया उस बात को थोड़ा साझा करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक ये बात पहुंचे। देखिए जी,
कृषि से तो ऐसा है कि यहाँ पर जितना भी हमारा ये क्षेत्र है चुरा, जी खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र, हाँ जी अब पहाड़ों में ज्यादातर जो है मक्का उगाया जाता था पहले टाइम में, और जी भी फसलें होती थी जी जैसे हमारा कुदरा हो गया, फुलन आदि भाषा हमारी भाषा में जिसको बोलते जी हैं, वो जी चीजें तो अब लुप्त हो गई है जी ना। क्यों लुप्त होगी? कि उसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा नहीं लिया। जी हिस्सा क्यों नहीं लिया? जी कि वो अगर हिस्सा लेते तो इसकी मार्केट ढूंढते, जी क्योंकि इसकी मांग तो है, ये जी चीजें जो है स्वास्थ्य से संबंध भी रखती हैं ये फसलें, जी उस करके भी हमारे पंचायत प्रधान इसमें एक्टिव होते, उन फसलों को उगाते और हमारे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी के माध्यम से कहीं मार्केट जी ढूंढते और जी उसको सेल करते जी जी किसानों का। हाँ जी ये चीजें नहीं हुई, जी लेकिन हम आपको उसमें भी यही यही कहानी है कि हमारा जो कृषि विभाग है, जी कृषि विभाग में भी खाली पद चले हुए हैं, जी कोई डेप्टेशन पर आता है, जी किसी किसी को दो दो चार दिए होते हैं, जी जी वहां पर भी समय पर बीज ना मिलना, जी और अगर मान लो मार्केट से किसान ने ले भी दिया जी बीज तो जी उसके उत्पादन तो कर लेता है यहाँ पर किसान जी जैसे तैसे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, निश्चित तौर पर लोग ही मेहनती है, जी उत्पादन तो कर लेता है, जी लेकिन उसके विपणन के लिए यानी बेचने के लिए व्यवस्था नहीं है एक मांग रखी गई थी। जी ये जो हमारी नौजवान सभा या किसान सभा या हमारा संगठन जो 30-35 सालों से काम कर रहा था जी इस क्षेत्र में, उसने मांग रखी थी, उस मांग रखी थी कि यहाँ पर जो विपणन के लिए एक सब्जी मंडी बनाई जाए, वो बनाई भी गई जी 2012-13 में बनाई गई जी यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर से संबंधित आना में, जी लेकिन उसको बड़ा अचंभित बात है कि अभी तक उसको चलाया नहीं गया। जी इसके पीछे किसान भी परेशान है, लोग जी सारे जितने भी हैं जी सारे सोच में है कि भाई जी बनाने के जी बाद जनता जी का पैसा वहां पर लगाया गया, जी जनता की सेवा के लिए एक जो है सब्जी विपणन के लिए एक जी हट बनाया गया जी यानी मंडी बनाई गई, जी लेकिन उसको चलाया नहीं। जी तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है जल्द से जल्द, जी अभी जो विधानसभा के चुनाव चले हैं, यहाँ से चुन करके कोई भी विधायक अगर विधानसभा में जाता है जी तो वो अपनी शपथ लेता है, सबसे पहले उस मंडी को खोला हाँ, जाए, तो उस मंडी को जो है तुरंत आने के बाद खोला जाए खोला उस शपथ जाए लेने के बाद, जी जी क्योंकि जी उसमें होता है कि भाई ईश्वर जी की शपथ लेता हूं जी जी मैं, विधि द्वारा स्थापित जो भी है निष्ठा सच्ची सत्यवान होकर के, सारी जी वो जी जी संविधान की जो आर्टिकल 395 उन आर्टिकलों की शपथ लेता है और फिर वो सेवा नहीं कर पाता है, तो ये बात हमारे लिए दुखित है। जी तो यही है कि उस मंडी को जो है तुरंत खोला जाए। जी तो अभी बंसारी साहब आपने हमारे किसान भाइयों को बागवान भाइयों को कृषि से संबंधित और बागवानी से संबंधित के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए किसान सभा बना करके किसानों के साथ मिल करके बहुत ही संघर्ष किया है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि पंसारी साहब आप आगे भी आने वाले कल में भी इसी तरह किसान भाइयों को साथ लेकर के बागवान भाइयों को साथ लेकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो है समय समय पर आप संघर्षशील रहें ताकि किसान भाइयों और बागवान भाइयों की जो आर्थिक उन्नति है वो आगे बढ़ सके और हर किसान हर बागवान चुरा का समृद्ध और खुशहाल हो। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर संपन्न करते हैं और सभी से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय चुरा।